गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट सुबह के 7:30 और आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप आ रही है और मेरे को मतलब लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ। सो लेट मी शो यू व्हाट आई एम हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो भैया ने ऑमलेट बनाया है एकदम मस्त एंड सम टी अलॉन्ग विद इट। तो अभी नाश्ता करते हैं ना, फिर फटाफट तैयार होके फिर मिलते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग अभी होटल से, होटल क्या कैंप थे, और अभी मैं यहाँ पर बीच में एक जगह पर रुका हूँ, तो थोड़ा सा सामान वगैरह सब रीअरेंज कर रहा था गाड़ी में, सब कुछ फैला हुआ था बहुत टाइम से, मैं बस सामान ठूसे जा रहा था और आगे चलता जा रहा था। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। ऑल्सो आज का प्लान अपना वही रहेगा जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था, कि आज कल्पा हिट करूँगा, और कल्पा हिट करने के लिए जैसा कि इन लोगों ने मेरे को लोकलिस्ट ने बताया है कि ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से जो रोड कंडीशंस हैं टिल रिकोंगपियो वो थोड़ी बिलो एवरेज हैं, और वो तो हम लोगों ने देखी भी थी आते हुए, तो हम लोगों को लग सकते हैं ऑलमोस्ट अगर हम अभी भी निकलेंगे तो 4-1 घंटा लगेगा इफ़ वी आर कंटिन्यूसली ड्राइविंग। तो बाकी जाके ही पता चलेगा ऑफ कोर्स कि कितना टाइम लगता है, क्या है, कैसे है। तो चितकुल आज हम छोड़ रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू बी माय लास्ट ट्रिप टू चितकुल। मेरा बहुत मन है इधर दोबारा आने का फॉर श्योर एंड आई एम नॉट डन विद दिस प्लेस एनी टाइम सून। तो अभी निकलते हैं एंड फिर उसके बाद आपको रास्ता भी दिखाते हैं। बाकी रोड्स तो वही हैं जिनसे आए थे। सो बट ये यार इधर एक बहुत अच्छी बात हो रही है, सो इधर चितकुल की ना रोड बन रही है, सो चितकुल विलेज से जो आर्मी कैंप है वहाँ तक की पूरी रोड बन रही है, और आई थिंक दैट इज़ मच रिक्वायर्ड, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्टीप है और टर्न्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं और बिल्कुल कच्ची थी। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से एंड I think this should be as good as any other day for my trip. नारकंडा में रुके थे, वहाँ भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सांगला में रुके थे, वहाँ पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। चितकुल ऑफ कोर्स यहाँ 2 दिन रुके हैं, उसमें आपने देखा मतलब दिस हैज़ बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस। और अब 4th night हेडिंग टू कल्पा। सो कल्पा में भी देखते हैं कुछ अच्छी लोकेशन मिलेगी एंड लेट्स प्लान इट आउट एंड मिलते हैं फिर हाईवे पे। ओके गाइस, सो वी वेंटेड सांगला, सांगला क्रॉस कर रहे हैं, फटाफट सांगला क्रॉस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा चितकुल से सांगला आने में, हाउएवर मैं बहुत स्लो आया हूँ, बट जो अपना ये था गूगल उसने मेरे को बताया है कि 90 मिनट्स, हाउएवर इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 45-50 मिनट्स। तो अब आगे चलते हैं। माय बैड, हम लोग हैं रक्षम क्रॉस किया हमने, नॉट सांगला। तो हमने अभी भटसरी क्रॉस कर लिया है और अब मेरे ख्याल में अब सांगला आएगा। एक तो यार पता नहीं मेरे को नाम इतने याद नहीं रहते हैं ना, तो आई फॉरगेट एवरी टाइम। अब पानी देखो इसमें कितना ब्राउन है,
टायर्ड है, दो बार तो बस मिली तो और ज़्यादा टाइट हो गया था। बट एनी वेज अब निकलते हैं, सांगला क्रॉस करते हैं। तो भैया याद है ना, नहीं नहाने का इस पानी में। सब लोग भी करचम डैम क्रॉस कर रहे हैं। करचम डैम का ही ऊपर वाले हिस्सा है, नीचे एक और जो जी एस डब्ल्यू वाला है। ट्रेन हो गई है।
ढोल बजाना है हमें, नक कुत्ता बोल नहीं खाना है, आ जाओ यार हम देखो दी में। तो भाई लोगों हम लोग पहुंच चुके हैं रेकोंगपियो, और रेकोंगपियो के मार्केट में वो चितकुल वाले भाई साहब ने बताया था कि यहाँ पर राजमा मिल जाएगा आपको और वो फ्लैट लेने मिल जाएगा, वन फ्लैट लेते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर मार्केट में रास्ते में पड़ेगा, ठीक है तो नहीं करूँगा। रेकोंगपियो का मेन मार्केट है, अगर तो पूरी प्रॉपर लाल बत्ती वगैरह सब कुछ है। तो वेरी बिग सिटी कंपैरेटिवली, और ट्रैफिक तो अच्छा होता दिख रहा है, कल्पर है गया है 5 किलोमीटर 15 मिनट दिखा रहा है, बहुत स्टीप क्लाइंब है, बहुत ज़्यादा एकदम हेयर पिन बैंड से, और पता नहीं कितना ज़्यादा एकदम से असेंड हो जाएगा। तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, मेरे को जगह पता नहीं अभी तक तो मज़ा नहीं आ रहा है, बट होपफुली आगे जाके सब कुछ बेटर होगा। लेट्स सी, कुछ ऐसा सा व्यू है अभी कल्पा, हम लोग ऑलमोस्ट एंटर कर गए हैं, आधा किलोमीटर ही दिखा रहा है। तो ये है आपका व्यू अभी तक, और रोड है बहुत पतली, होटल की तलाश में निकले। ये एक होटल है बट मैं 15-20 मिनट तक रिसेप्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई आया नहीं, आई डोंट नो ये शायद फंक्शन भी इधर कर रही है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये एक होटल है सामने, होटल रोलिंग ग्रैंड, सो प्रॉब्ली आई विल चेक दैट आउट। उसका व्यू आई एम श्योर ये वाला मिल जाएगा। तो अगर उसमें बालकनी हुई और ये भी हुआ और बजट में हुआ कॉस, तो बुक कर लेंगे भैया, आज रात यहीं रुकेंगे फिर। नहीं या नहीं, तो ये है यहाँ सांगला से हम लोग आ रहे हैं 58 किलोमीटर तक के, और ऑफ कोर्स जब निकलेंगे तो रामपुर से क्रॉस करेंगे। तो ये जो होटल था ये था होटल किन्नर कैलाश, किन्नौर कैलाश नहीं है, किन्नर कैलाश। सो ये वाला इफ यू डोंट रिमेम्बर, तो अब दूसरे वाले में जा रहे हैं रोलिंग्स ग्राम करके जो था, और यार अक्ल कर रहा हूँ जो आंटी ने पैक करके दिए थे भूख लग गई है, सुबह 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। सो चलते हैं यार वहाँ पर दूसरा होटल देखते हैं, और फिर अपना सेटल होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारेंगे क्योंकि फिर कल सुबह अपने को निकलना भी है। तो हम जा रहे हैं होटल रोलिंग, ये हमने होटल ले लिया है होटल रोलिंग ग्रैंड, और ये इनका रूम है, यहाँ से वही दिख रहा है होटल किन्नर कैलाश, और वो दिखता है शिवलिंग वो ही है। अगर ये क्लाउड हट गए फिर लकी ना, फिर भी मिल गई उनको। तो ये नीचे आप देखोगे ये सारे अपल ऑर्किड हैं, इधर भी और ये इधर भी, तो ये अपल ऑर्किड है, बाकी मैं आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ। ये है बाहर, बहुत हवा है, ये बालकनी में नहीं है। शाम को जब सोसाइड हो पहाड़ों में हर जगह
सुसाइड पॉइंट जरूर होता है। चलो मिलते हैं।